नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। उधमपुर हमले का मास्टरमाइंड अबू कासिम एनकाउंटर में मारा गया। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले लश्करे तैयबा के कमांडर अबू कासिम को आज कुलगाम में तड़के 2 बजे सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में मार गिराया। ये आतंकी 5 अगस्त को उधमपुर में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। इस आतंकी पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था और एनआईए को भी लंबे समय से इसकी तलाश थी। कश्मीर में अबू कासिम के पहले अब्दुल रहमान कश्मीर में लश्कर तैयबा का कमांडर था। उसकी मौत के बाद अबू कासिम कमांडर बन गया था और आतंकी घटनाओं की योजना बनाया करता था। उसी ने 5 अगस्त को उधमपुर में हुए आतंकी हमले की योजना बनाई थी। मोदी सबसे अधिक प्रशंसा पाने वालों की सूची में। विश्व आर्थिक मंच के एक नए सर्वेक्षण के मुताबिक नरेंद्र मोदी दुनिया भर में सबसे अधिक प्रशंसा पाने वाली 10वीं हस्ती बन गए हैं। इस मंच ने दक्षिण अफ्रीका के दिवंगत राष्ट्रपति मंडेला को सूची में पहले स्थान पर और महात्मा गांधी को चौथे स्थान पर रखा है। सर्वेक्षण में 125 देशों के 285 शहरों में 1000 से अधिक युवकों से उनकी राय ली गई। सूची में टेस्ला मोटर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलोना मस्क तीसरे, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स 5वें, अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 6ठे, वर्जिन ग्रुप के संस्थापक रिचर्ड बारसोन 7वें, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स 8वें, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस 9वें और अमेरिकी निवेशक वारेन बुफेट 11वें पर हैं। पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने कहा, पाक में नहीं है भगोड़ा दाऊद इब्राहिम। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने जोर देकर कहा कि भगोड़े माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम को उनके देश में नहीं छुपा रखा है। थिंक टैंक बेंगलोर इंटरनेशनल सेंटर और तक्षशिला इंस्टीट्यूट द्वारा यहां आयोजित एक समारोह के दौरान बासित ने कहा कि वो पाकिस्तान में नहीं है, यहां तक कि आपकी सरकार को भी उसके पते ठिकाने की पुख्ता जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि आपके पास दाऊद के बारे में कोई जानकारी है तो बताएं।